क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और साथ में तीनों वेक्टर में कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है और हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए इज इक्वल टू दैट ऑफ वेक्टर सी अलोंग वेक्टर ए। मतलब ये कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के अलोंग और वेक्टर सी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के अलोंग दोनों इक्वल है। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मान लेते हैं बी है, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं। तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के अलोंग ये वाला वेक्टर हो जाएगा, यहां से यहां तक इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी कॉस अल्फा और डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ए कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज द वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज द वेक्टर विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। अगेन दिस इज वेक्टर ए एंड लेट दिस इज वेक्टर सी और इस एंगल को बीटा मान लेते हैं। तो अगेन यहां से लेकर यहां तक ये जो प्रोजेक्शन है, इस वेक्टर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड है सी कॉस बीटा और इस वेक्टर का डायरेक्शन है वेक्टर ए के लॉन्ग। तो अगेन यहां पर हम आई कैप से इंटू कर देंगे। तो ये वाला जो वेक्टर है वो यही वेक्टर है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, सो दिस इंप्लाई दैट बी कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू सी कॉस बीटा, ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, इट मींस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी जीरो के इक्वल है तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया एंड दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर विल बी फोर प्लस सी स्क्वायर विल बी नाइन और एक हो गया माइनस टू ए बी कॉस अल्फा, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल है वो अल्फा है, प्लस टू ए सी कॉस बीटा, ठीक है। लेकिन हम यह देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है यहां से, अगर इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू ए सी कॉस बीटा, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर 14, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू।